हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत। तो गाइज, आज के इस वीडियो में सैमसंग के डिवाइस में एक ऐसे हिडन सेटिंग के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसका काम क्या है, उसे यूज कैसे करना, सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए वीडियो कर देगा लाइक और चैनल से अगर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लीजिए। यहाँ पर इसी तरह के रिलेटेड वीडियो मिलता है और मिलता रहेगा। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आ गए फ़ोन के स्क्रीन पे। तो गाइज, आपको वो ऑप्शन तब मिलता है जब आप नोटिफिकेशन पैनल को नीचे करते हैं और कुछ इस तरह से करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ कॉल एंड टेक्स्ट ऑन अदर डिवाइस। अगर आपको यहाँ पे नहीं मिलता तो आपको सेटिंग वाला ऑप्शन पर टैप करना है। टैप करने के बाद आपको सर्च वाला ऑप्शन पर टैप करना और यहाँ पर लिख देना है कॉल एंड टेक्स ऑन अदर डिवाइस, यहाँ पर लिख देना है। चलिए हम लिख लेते हैं। उसके बाद आप लिखने के बाद आपको कुछ नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉल एंड टेक्स ऑन अदर डिवाइस यहाँ पे लिखा हुआ था, आपको उस पर टाइप करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस ओपन होगा, फिर से आपको कॉल एंड टेक्स ऑन अदर डिवाइस वाला ऑप्शन पर टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह के पेज ओपन होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ में आप कनेक्ट कर सकते हैं। कॉल एंड टेक्स फ्रॉम योर गैलेक्सी वॉच, आप अपने घड़ी में कनेक्ट कर सकते हो, टैबलेट में कनेक्ट कर सकते हो, स्पीकर में कनेक्ट कर सकते हो और चाहे आप कोई और फ़ोन में भी कनेक्ट कर सकते हो। कनेक्ट करने के लिए आपको इस पर टैप करके ऑन करना होगा और उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे पूछ रहा है आप अपना कौन सा सिम को कनेक्ट करना चाहते हो। अगर आप सिम वन को कनेक्ट करना चाहते हो तो इस पर आपको टैप करना है और यहाँ पे आपको सिम सेलेक्ट करना है। अगर सिम वन को सेलेक्ट करना चाहते हो तो सिम वन पर टैप करना है। अगर आप सिम टू पर सेलेक्ट करना चाहते हो तो सिम टू पर आपको सेलेक्ट करना है। तो चलिए हम सिम वन को करना चाहते हैं, सिम वन वाला ऑप्शन पर टैप करना है। तो देख सकते हैं गाइज, आपको इसी तरह अपना फ़ोन को किसी और फ़ोन में कनेक्ट करना है, चाहे आप अपने घड़ी में कनेक्ट करना चाहते हो, चाहे आप अपने स्पीकर में, चाहे आप अपने कार में कनेक्ट करना चाहते हो, आपको इसी तरह आपको अपना फ़ोन को कनेक्ट करना है। उसके बाद जो भी आपका कॉल आएगा, मैसेज आएगा, वही फ़ोन पे आएगा जो जिस फ़ोन से आप कनेक्ट कीजिएगा, चाहे जिस भी घड़ी से आप कनेक्ट कीजिएगा, सारा कुछ उसी घड़ी में आएगा। तो आपको इसी तरह कॉल एंड टेक्स एंड अदर डिवाइस को यूज करना। तो उम्मीद करता हूँ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में करके ज़रूर बताना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ।